हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ आपके साथ एक नया प्रोडक्ट लेके। मैंने ऑलरेडी मेमोरी फॉर्म पिलो के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसके में मैंने फ्रीडो अल्टीमेट पिलो ऑर्डर करा था और इसके ऊपर वीडियो बनाया था। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि माय आर्मर का भी पिलो का भी अनबॉक्सिंग वीडियो कर लो, तो मैंने माय आर्मर का पिलो ऑर्डर करा है। करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है और मैं कौन से रिकमेंड कर रहा हूँ कि बेटर क्वालिटी किसकी है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। और इसका मैंने दोनों ऑर्डर करे हैं। इसमें एक मेमोरी फॉर्म विथ कूलिंग जेल आता है, एक मेमोरी फॉर्म विथ नॉर्मल वाला आता है। तो देखते हैं कि कूलिंग जेल ज़्यादा बेटर है या नॉर्मल वाला, एंड दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और बेटर क्वालिटी किसकी है। और वन थिंग मोर, मैंने अभी एक रिसेंटली स्टार्ट करा है अपने वीडियोस में टिप ऑफ द वीडियो देने का, तो कृपया करके सब लोग उसको भी देखें। लास्ट में आपको हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो जो हम प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करते हैं उसमें देखते हैं कि कैसी है इसकी क्वालिटी, मतलब कैसे उसको हम बेटर यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं उसको। ये है मेमोरी फॉर्म का पिलो। इसमें एक बेनिफिट ये है, ऑर्थोपेडिक है, ये लोग ऑर्थोपेडिक क्लेम भी करते हैं और फ्रीडो वाले ऑर्थोपेडिक क्लेम नहीं करते। अगर मैं इन तीनों के प्राइस रेंज की बात करूं तो ये मुझे पड़ा है 1649 का, ठीक है। और इसमें भी मेरे को एक जो नॉर्मल वाला है वो मुझे पड़ा है 1499 का, एंड कूल जेल वाला है वो मुझे पड़ा है 1849 का। ये भी कूल जेल है और इसका भी कूल जेल है, लेकिन ये वाला महंगा है। अब ये भी देखते हैं कि क्या ये महंगा वर्थ इट है कि यार महंगा ही महंगा है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं यार महंगा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है हम लोग को जानना कि अगर महंगा दे रहे हैं तो वर्थ इट है कि नहीं। क्योंकि मैंने एक पुराना वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है फॉर द प्रेगनेंसी लोगों के लिए, जो हमने जहाँ पे मैंने बताया कि हम लोग को प्रेगनेंसी में यू शेप पिलो मतलब यूज़ करने होते हैं, तो उसमें कौन से बेटर है। तो मैंने देखा था माय आर्मर का, वहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यू करे, उसमें दो तीन प्रोडक्ट, तो जिसमें रिव्यू करने के बाद मुझे पता चला माय आर्मर का थोड़ा सा महंगा था, मतलब अराउंड 200-300 रुपीज़ थोड़ा सा महंगा था। लेकिन अगर मैं तीनों प्रोडक्ट की बात करूं तो तीनों प्रोडक्ट में सबसे अच्छी क्वालिटी का था, सबसे अच्छा वर्थ इट था, एंड अमेजोन का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था। एंड मैंने उसके लिए एक इंटरव्यू भी शेड्यूल करा था। इंटरव्यू में मैंने भी जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी से लोग गुजरे थे उनसे मैंने एक वीडियो करा और उनके बारे में जाना कि उनको कौन सा बेटर लगा। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर मेरे को माय आर्मर का यू शेप पिलो पहले मिला होता तो मैं यही ऑर्डर करती, इनफैक्ट उसका प्राइस ज़्यादा था। और मैं थर्ड खोलता हूँ फ्रीडो का। फ्रीडो में ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ तो आपको कलर का डिफरेंस दिखाई दे गया होगा, ये इसकी वाइटनेस थोड़ी थोड़ी अब जा चुकी है। सो ये है इसका मेमोरी फॉर्म पिलो। अगर मैं साइज की बात करूँ तो ये थोड़ा सा, देखिए अगर वेट की भी बात करूँ मैं तो वेट वाइज माय आर्मर का वेट ज़्यादा है, ये कम्फी ज़्यादा है और मोटा भी ज़्यादा है। ये मतलब क्या होता है, मेमोरी फॉर्म का तो बेनिफिट यही होता है कि आप जितना अंदर चाहें उतना डाल दें और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बाहर आ जाता है। और इसको करते हैं कि कौन सा वाला है कूल जेल और कौन सा वाला है नॉर्मल वाला। आई थिंक इसके अंदर खोल के ये है एंड इट्स नाइस। इन्होंने डबल कोटिंग लेयर कर रखी है, मतलब एक कवर ऊपर चढ़ा रखा है, एक उसके अंदर कवर चढ़ा रखा है। नाइस, लव इट। सो ये वाला है कूल जेल वाला और मुझे पता चल रहा है आपको, मैं भी खोल के दिखाता हूँ, इसको फाड़ के अंदर वाला दिखाता हूँ। और ये है इसका मेमोरी फॉर्म। इन्होंने भी डबल लेयर कर रखी है क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में इसको ऑलरेडी टियर ऑफ कर दिया था, तो इसका आप देख सकते हैं अंदर वाला ऑलरेडी यहां से फटा हुआ है।
क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में ऑलरेडी इसको निकाल दिया था। अब इसको भी निकाल देते हैं एंड देखते हैं कि क्वालिटी वाइज कौन ज्यादा बेटर है। ये है मेरा फ्रीडो का और ये है मेरा मायार्मा का। अगर मैं कूल जेल वाली बात करूं तो कूल जेल दोनों है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं और थोड़ा सा कंफर्ट वाले लेवल की बात करूं, क्योंकि क्या है कि ये आप लगा रहे हैं, मुझे भी ये मैं बहुत दिन से लगा रहा हूं, तो लगाने में होता क्या, ये बहुत पतली है और उसके बाद जब मैं सर रख देता हूं तो और पतली हो जाती है। तो एक मुझे ये बस इसमें प्रॉब्लम फील होती है कि भाई एक तो पतली और ऊपर से जब हम सर रख देंगे थोड़ा वेट रख देंगे तो भाई और पतली हो जाएगी क्योंकि मेमोरी फॉर्म की है, तो एक ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको भी खोल के देख लेते हैं गाइस। सो ये गाइस नॉर्मल मेमोरी फॉर्म है, इसमें कूल जेल वाली टेक्नोलॉजी नहीं यूज हुई है। कूल जेल वाली टेक्नोलॉजी का बस इतना मीनिंग होता है कि दोनों फॉर्म का अगर मैं छूं तो छूने में मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी सी ठंडी है और ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर जो करंट टेम्परेचर रहता है ये थोड़ी सी ठंडी रहती है। आपने भी जनरली देखा होगा कि जब आप सोते हैं तो क्या होता है, तकिया गर्म हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग रात में कि तकिया का साइड चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको यूज़ करने लगते हैं। तो जब साइड चेंज करते हैं तो दूसरे साइड ठंडी होती है, तो जब फिर से लगाते हैं तो अच्छा लगता है एंड नींद जल्दी आ जाती है। तो वो हम लोग को साइड चेंज इनमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कूल जेल वाली है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रीदिंग है, जो इसकी एयर होती है वो निकलती भी रहती है और ये कूल बनाए रहती है। जनरली सब लोग अभी एसी में यूज़ कर रहे होते हैं या कूलर में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ये ज़्यादा अच्छी है। और अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके कवर की क्वालिटी बताता हूं। कवर की क्वालिटी ठीक है, मतलब नॉर्मल टाइप का कवर का क्वालिटी है, ओके। एंड इसकी बात करूं तो ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, मतलब इन दोनों की अगर कवर की क्वालिटी बात करूं तो ये बेटर क्वालिटी है। और पिलो की बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई कहे कि ये इन दोनों से पिलो चूज़ करना है तो मैं डेफिनेटली ये पिलो चूज़ करूंगा। अगर मुझे कूल जेल नहीं लेना है तो मैं ये पिलो चूज़ करूंगा। रीज़न बिहाइंड वही है कि एक तो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और मेमोरी फॉर्म होने के कारण मेरे को यहाँ पे अगर मैं एक साइज़ रखूँगा तो अपने आप थोड़ा बहुत दबी जाएगा, तो मुझे कंफर्ट लेवल और ज़्यादा मिलेगा। इसमें ऑर्थोपेडिक वो लोग प्रूव डील नहीं करते हैं, ऑर्थोपेडिक इसमें कहीं भी लिखा भी नहीं हुआ है। अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूं, इसमें लिखा हुआ है जेल इन्फ्लुएंस ऑर्थोपेडिक ग्रेड। ये लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ऑर्थोपेडिक पिलो है, बस इन्फ्लुएंस लिख रहे हैं, लेकिन ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ऑर्थोपेडिक पिलो है, बस ये लिखा हुआ है गेट इन्फ्लुएंस ऑर्थोपेडिक ग्रेड मेमोरी फॉर्म। बस इन्फ्लुएंस्ड है मेमोरी फॉर्म, ऑर्थोपेडिक ग्रेड के मेमोरी फॉर्म से, लेकिन ऑर्थोपेडिक मेमोरी वो पिलो नहीं है। ये लोग क्या कह रहे हैं, ऑर्थोपेडिक मेमोरी फॉर्म पिलो, तो दैट्स मीनिंग ऑर्थोपेडिक है। ऑर्थोपेडिक का मीन वही होता है कि जिसमें नेक पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है कि आपके नेक में और आपके बैक में अगर आप यूज़ करते हैं तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं आपके साथ। और मैं अगर यूज़ करने की बात करूं तो ये थोड़ा सा रफ साइड, ये अगर मैं इसकी बात करूं फ्रीडो की, तो बहुत रफली है और ये बहुत स्मूथ है, मतलब इसकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत डिफरेंस है। और मेरे हिसाब से मैं इसकी पिलो ऑलरेडी अराउंड 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं, मैं इसको परमानेंट यूज़ करता हूँ। इसमें एक फ़ायदा और भी मिलता है मुझे कूलिंग जेल ये नॉर्मल वाले में, कि मैं मोस्टली अपने जब गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मैं इसको पीछे लगा लेता हूँ, मेमोरी फॉर्म की वजह से मेरे पूरी गाड़ी के सीट के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेती है और बहुत अच्छा कंफर्ट देती है। अगर मैं इसको लगा लूँगा तो इसमें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हमने लगाया है, पता चलेगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, लेकिन वैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा जैसा कंफर्ट इसमें मिल रहा है, क्योंकि इसकी थिकनेस देखिए आप गाइस, अमेजिंग थिकनेस।
और साइज की मैं बात करूं तो दोनों साइज सेम है, कोई साइज में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बस ये है कि इसका बेटर क्वालिटी है और इसकी थोड़ी सी लोअर ग्रेड क्वालिटी है। अगर मैं मेमोरी फॉर्म की बात करूं तो ये मेमोरी फॉर्म की भी बेटर क्वालिटी है। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे करने की कोशिश करी है, ये देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी कि यहाँ से ब्रेक हो रही है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नहीं ब्रेक हो रही है, तो ये उस लेवल की क्वालिटी है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। मतलब एक मेमोरी फॉर्म में क्या होते हैं कि अमेजिंग मतलब एक ग्रेड्स होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से सेकेंड ग्रेड के हो गए और ये फर्स्ट ग्रेड के हो गए। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने टिप ऑफ द वीडियो की। सो टिप ऑफ द वीडियो ये है कि आपने जनरली नोटिस करा होगा, मतलब आपके घर में भी नोटिस करा होगा आपने, कि जब भी हम लोग पिलो के ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं, मतलब अपने बेडशीट के कवर वाला, तो क्या होता है लोग जनरली बेडशीट का जो कवर होता है वो उतारते हैं और धुल लेते हैं, ठीक है, वॉश कर लेते हैं। इसका ये कवर लोग जल्दी नहीं धुलते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा ये है कि आप लोग जैसे वंस धुल रहे हैं तो उसको धुल लें, नेक्स्ट वाले वीक में जब आप धुलें, मतलब आप फर्स्ट टाइम आपने बेडशीट चेंज करी, पिलो कवर चेंज करा तो आपने इसको नहीं धुला, नेक्स्ट वाले में इसको भी धुलें, क्योंकि क्या होता है जर्म्स ट्रांसफर होते हैं एक से लेयर, और जो गंदगी होती है वो भी ट्रांसफर होती है अंदर से अंदर, तो इसको भी धुलना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी एक क्वालिटी मेंटेन रहेगी पिलो की, और इसकी जो ब्रीदिंग स्पेस है इससे जो ब्रीद हो रहा होता है वो भी अच्छी रहेगी। तो ये रहा मेरा टिप ऑफ द वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब अवर वीडियो, एंड इसी तरह प्यार बनाए रखिए, इसी तरह हम लोग को वीडियो को लाइक करते रहिए, हम लोग जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइज।